चलिए, सो आई हैव बीन आस्क्ड टू क्वेश्चंस ऑन माय नंबर, तो उसको मैं डिस्कस करता हूँ, इतने बाकी आ भी जाएंगे। तो फर्स्ट थिंग इज कि एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा कि शुड रिजर्वेशन बी अबॉलिश्ड, सो शुड रिजर्वेशन बी अबॉलिश्ड इफ सपोज दे आस्क दिस क्वेश्चन। ऑफ लेट इन पंजाब ऑल्सो दिस क्वेश्चन वॉज आस्क, तो हरियाणा में भी पिछली बार एक आधे बच्चे से क्वेश्चन पूछा गया था ये, तो शुड रिजर्वेशन बी अबॉलिश। तो मैं इसका देखिए, व्हेन यू टॉक ऑफ टॉक इन टर्म्स ऑफ इंटरव्यू देन आंसर हैज़ टू बी वेरी बैलेंस्ड, वेरी केयरफुल, राइट। तो यू कैन नॉट से, आप ऐसा नहीं कर सकते इसमें कि नॉट अबाउट येस और नो, कि हाँ येस कर दो या नहीं कर दो, वो वाला इसमें ओरिएंटेशन नहीं होनी चाहिए, है ना। नो, येस और नो में आंसर नहीं है ना। तो मैं आप बोलता हूँ, आप थोड़ा सा इसको देखिए। सपोज आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि शुड रिजर्वेशन बी अबॉलिश्ड, राइट। सो यू कैन, हाउ हाउ यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन, आप इस तरह से आंसर कर सकते हो डिप्लोमेटिकली इसको कि सर रिजर्वेशन हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड टू करेक्ट द हिस्टोरिकली क्रिएटेड इन इक्वालिटीज ड्यू टू अवर टिपिकल नेचर ऑफ अवर सोशल सिस्टम, राइट। तो ऑल दो सर देर इज अ नीड टू bring more focus in the reservation policy so as so that the benefit reaches the desired sections of population, right. But I will not suggest isko puri tarah se abolish kar diya hai, right. We should first devise better ways to help the people who are downtrodden, poor, and if we are able to find a better way, then only we should think about abolishing reservation, hai na. Tabhi hame reservation ko abolish karne ke bare mein sochna chahiye. तो अगर हिंदी में बोलें इसको, सर मेरे मेरे विचार से रिजर्वेशन को पूरी तरह से अबॉलिश इमीडिएटली नहीं करना चाहिए, पहले हमें कोई अल्टरनेटिव सोचना चाहिए सो दैट जिससे हम डाउन ट्रोडन या जो पुअर हैं उनको हेल्प कर सकें, है। बिकॉज रिजर्वेशन पॉलिसी जो इंट्रोड्यूस की गई थी वो ड्यू टू इट वॉज एमिंग एट करेक्टिंग अ हिस्टोरिकल रॉन्ग और हिस्टोरिकली क्रिएटेड इनइक्वालिटीज, ठीक है ना। एंड इट्स अ वेरी इफेक्टिव टूल ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट चेंज, बट ओनली इफ इट इज फोकस्ड, उतना आप कह सकते हैं, और ये बात ठीक भी है ना। तो इस तरह से रिजर्वेशन वाला आंसर आप टैकल कर सकते हो। हमें अपने मुंह से क्रिमिनल वर्ड नहीं यूज करना है, हमें कहना है कि सर देर में वे मस्ट बी डिवाइज्ड टू ब्रिंग मोर फोकस इन द रिजर्वेशन पॉलिसी, क्योंकि अगर आपने क्रिमी वर्ड अपनी तरफ से इंट्रोड्यूस किया तो वो ओबीसी में आ जाएंगे कि वहाँ क्रिमिनल फंक्शनल है या नहीं है, प्लांट ज़्यादा टेक्निकल क्वेश्चन में आपके पास जाएंगे। एक काउंटर क्वेश्चन आप मेरे से ये कर सकते हो कि सर ईडब्ल्यूएस जो अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस रिजर्वेशन है फॉर पुअर, इज इट राइट। सर सुप्रीम कोर्ट हैज अपहेल्ड द रिजर्वेशन फॉर ईडब्ल्यूएस, लेकिन मेरे विचार से जब इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे सरकार को ये, हमें ये कदम जरूर रखने चाहिए, लेने चाहिए कि वो जो उसका बेनिफिट है वो रियल लोगों के पास पहुंचे, और इफ समबडी ट्राइज टू मिसयूज दिस प्रोविजन इट शुड बी प्रिवेंटेड। अगर इसका बेनिफिट ठीक लोगों तक पहुंचता है, रेलवे में ईडब्ल्यूएस तक पहुंचता है, मेरे को लगता है इसमें कोई हार्म नहीं है। है ना, तो इस तरह से ईडब्ल्यूएस वाला आ गया। देखिए रिजर्वेशन के अंदर आपने ब्यूरोक्रेटिकली स्टैंड यही रखना है कि मैं इसको फेवर करता हूं अगर ये फोकस्ड रहे। चलिए सेकंड क्वेश्चन मेरे से ये पूछा गया रिगार्डिंग ड्रेस ऑफ वुमेन और फीमेल्स। देखिए इसमें दो ऑप्शंस होती हैं आपकी, या तो साड़ी है या फिर आपका सूट है ना। तो प्रेफरेबली हम जो सिविल सर्विसेज इंटरव्यू हैं प्रेफरेबली साड़ी मानते हैं, बट ऐसा नहीं है कि साड़ी साड़ी पहनने से बहुत ज़्यादा नंबर आ जाएंगे, बट एलिगेंट लगता है व्यक्ति, तो साड़ी को ऑफिशियल ड्रेस माना जाता है, तो साड़ी डाल सकते हो। अगर आप साड़ी में बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं हो, कि आपको बिल्कुल हैबिट नहीं है, देन यू कैन गो फॉर सूट, राइट। बट द कलर्स हैव टू बी वेरी फॉर्मल, बहुत ज़्यादा डार्क कलर्स नहीं चलते, लाइट कलर्स चलते हैं, प्लेन साड़ी विद अ बॉर्डर, ठीक है ना, तो वो चलता है। मैचिंग सारे उसके एसेसरीज मैचिंग होनी चाहिए, और आप उसके ऊपर कार्डिगन टाइप या कोई ओवरकोट हल्का सा डाल सकते हो, ठीक है ना। अब ज़्यादा और अभी बहुत ज़्यादा भरने की जरूरत नहीं कि दो स्वेटर डाल लो, तीन स्वेटर डाल लो ना। अगर आपको ज़्यादा ठंड लग रही है, आप शॉल डाल के जाओ कमीशन के अंदर, वहाँ शॉल डाल के बैठो, और 10-12 मिनट का इंटरव्यू होना है, अपना शॉल उतारा, इंटरव्यू दिया, आके फिर डाल लिया। आई थिंक दिस मच कैन बी मैनेज, है ना, इसको मैनेज किया जा सकता है। तो इस तरह से आप, और अपना सैंडल या अपने जूती ऐसे ऐसे डालें ये बहुत मेल और फीमेल के लिए, कि वहाँ पे आवाज़ ना करे वो। जैसे मैंने भी मॉक ले रहा हूँ, तो मेरे कुछ बच्चे ऐसे आ रहे हैं
तो जूते बहुत आवाज़ करते हैं, तो प्रेफरेबली वो आवाज़ ना करें।